तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2021 में आपका सिग्नल इन सिस्टम्स का पेपर आया है 6 सेम ईसी वालों के लिए। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आपके लिए और ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। एक प्लेलिस्ट है 6 सेम ईसी करके हमारे चैनल पे, इसमें जितने भी 6 सेम ईसी के पेपर्स अवेलेबल है उसको मैंने मतलब वहाँ पे कंपाइल करके आपका रख दिया है। तो आप वहाँ से जितने भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो या जिसके भी प्रीवियस ईयर पेपर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल हमारा सेम है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। तो अब पेपर डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो इसमें पूछा है पीरियोडिक सिग्नल कौन सा है। तो देखो कॉस और साइन दोनों आपके पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। ई के पावर माइनस अल्फा टी नहीं होता है। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। तो साइन और कॉस आपको पता है 2π 2π इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ नॉन होगा सबसे पहले। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स या नन ऑफ दिस। तो देखो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत है कि पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल्स कभी भी एनर्जी सिग्नल नहीं होते। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल। हाँ सही बात है, एनर्जी सिग्नल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये सिग्नल है मान लो ई के पावर माइनस अल्फा टी यू टी, ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा और ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल की कैटेगरी में आता है। दूसरा नॉन पीरियोडिक सिग्नल और पावर सिग्नल, ये लो यूनिट स्टेप सिग्नल, ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। ठीक है, तो यूनिट ये भी आपका पीरियोडिक सिग्नल नहीं है लेकिन ये आपका पावर सिग्नल की कैटेगरी में आता है। तो आप देखो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यूटी भी आपका एक पावर सिग्नल है और तो जैसे आप देख सकते हो यूटी भी पावर सिग्नल है और सेकंड कौन सा था नॉन पीरियोडिक सिग्नल और एनर्जी सिग्नल। तो जैसे ई के पावर माइनस अल्फा टी यूटी हो गया, ये सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, ये पीरियोडिक तो है नहीं, सिंपल। एक और इस आपका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, मान लो फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड का कोई भी सिग्नल एनर्जी सिग्नल होता है, तो ये सिग्नल भी पीरियोडिक नहीं है और ये सिग्नल कैसा है आपका एनर्जी सिग्नल। ठीक है, एनर्जी सिग्नल, तो ध्यान रखना इसमें ए और बी दोनों करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट रैंप सिग्नल। ऑप्शन ए यू टी, ऑप्शन बी डेल्टा टी, सी आर टी या आपका डी नन ऑफ दिस। तो यूनिट रैंप सिग्नल लिखा है ना, यूनिट मतलब यूनिट वन और रैंप आपका आर टी। तो ये जो आपका वन लिखा हुआ है ना ये बेसिकली रैंप सिग्नल का स्लोप बताता है आपका। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, ई के पावर ए टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ एस 1/s-a और जो आर ओ सी होता है इसका वो होगा आपका रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन ए। आर ओ सी तो हालांकि आपको मतलब समझना तो काफ़ी जरूरी पॉइंट होता है बट इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आर ओ सी होता है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और ये वही पॉइंट होता है जहाँ आपका लाप्लास जो फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका डिफाइंड हो सकता है। तो इसलिए हर एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद उसका आर ओ सी जरूर लिखते हैं या डिफाइन जरूर करते हैं, वरना इस ये पूरे एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। ठीक है, इसमें हालांकि आर ओ सी नहीं दिया रहता है, बहुत सारे आप ऑप्शन दोगे क्योंकि बीटेक लेवल पे थोड़ा ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो आप आंसर टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी इज एक्स ऑफ एस देन एक्स टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, तो सिंपल ही प्रॉपर्टी होती है, एक्स टी का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है तो एक्स टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स से एस से इंफिनिटी एक्स ऑफ एस इंटू डी एस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। देखो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए ओमेगा नॉट सॉरी ए इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। करेक्ट आंसर देख लो ऑप्शन बी, ठीक है। और इसका आर ओ सी लिखना हो तो अगर, तो वो होता है रियल पार्ट ऑफ एस, रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन जीरो, ठीक, ये इसका आर ओ सी होता है आपका। आर ओ सी आपका होता क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ए कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी, जरूर लिखा होगा ए कॉस ओमेगा नॉट टी, अगर पूछे और पूछे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा देखोगे ए कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी या ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, यू टी जरूर कनेक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ अगर ए कॉस ओमेगा नॉट टी देना तो इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस वन अपॉन एस, ठीक है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो एक्स एस क्या दे रखा है, एस प्लस वन अपॉन एस, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, वन अपॉन वन प्लस एस, एक्स टी क्या होगा आपका डेल टी प्लस यू टी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू पूछा है, तो देखो इनिशियल वैल्यू की कंडीशन क्या होती है ना, कि इनिशियल वैल्यू में आपका जो डिनोमिनेटर का पावर होता है होना चाहिए, डिनोमिनेटर का जो पावर होना चाहिए वो न्यूमिनेटर के पावर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखो जो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है 3 है, न्यूमिनेटर का कितना है 2 है, तो आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो। एक और कंडीशन होती है कि सिस्टम कॉजल होना चाहिए, ठीक है, और जो है नॉन कॉजल सिस्टम का भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम आप लगा सकते हो, पर उसमें ना फिर जो हम लोग इनिशियल वैल्यू का थ्योरम लगाते हैं, जैसे क्या होती है, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एक्स टी लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो सॉरी एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक, ये होता है। तो अगर सिस्टम कॉजल है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है, लेकिन सिस्टम अगर कॉजल नहीं है, नॉन कॉजल सिस्टम है, तो फिर टाइम डोमेन से उसको निकालना पड़ता है, मतलब एस डोमेन से हम टाइम डोमेन में जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बट इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल सकते हो। तो देखो सॉल्व करोगे, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स ऑफ एस, एस से डिवाइड करो आप, फोर एस स्क्वायर प्लस 40 एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक। आंसर अगर आप कोफिशियंट देखो तो या तो आप एस स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो और एस के वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4, ठीक है। कैसे, तो देखो एस स्क्वायर आप कॉमन रख लिए, 4 अपॉन 40 अपॉन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लगा लो, 1 प्लस 4 बाय एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, 4। आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following is the expression for unilateral Laplace transform? तो unilateral Laplace transform का expression पूछ रहे हैं, तो होता है 0 से infinity x t e के power minus s t d t। Correct answer is option number A। Question number 10। In Fourier series, dash sign terms are absent।
मतलब किस फोरियर सीरीज में साइन टर्म्स एबसेंट होंगे? तो देखो, साइन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं आपके ऑड फंक्शन में, तो इवन फंक्शन में कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब साइन टर्म एबसेंट किस में होंगे? इवन फंक्शन में. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इफ एक्स टी इज सिग्नल फंक्शन देन फॉर टी लेस देन जीरो, तो सिग्नल फंक्शन को आप ड्रॉ कर लो, ऐसे बनता है सिग्नम फंक्शन. जीरो यहाँ, वन यहाँ, माइनस वन, ये सिग्नम फंक्शन हो गया. इफ एक्स टी इज सिग्नम फंक्शन फॉर टी लेस देन जीरो, आपका वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन डेल टी, तो डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका पूछा है, फंक्शन का पूछा है, तो वो देखते हैं कैसे होता है. अच्छा, इसका तो हम, आप जो है डायरेक्ट बता सकते हो कि डेल टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये तो हम लोग जनरली फॉर्मूले से पढ़ते हैं या याद ही करते हैं, तो ट्वेल्थ का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज वन. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो देखो, अगर आप देखो डेल ओमेगा का, सेकेंड, टू पाई डेल ओमेगा होता है वन का, ठीक है, तो टू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो हमको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ईच टू दी पावर जी ओमेगा टी, क्योंकि अगर यहाँ पे ई के पावर जी ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाता है. हमको किसका चाहिए? डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो वो किसका आएगा? वन अपॉन टू पाई ई के पावर जी ओमेगा नॉट टी, ठीक है. एक्चुअली ये डुअलिटी थ्योरम से होता है, तो मैं उसको थोड़ा डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का होता है तो कॉन्स्टेंट, अगर वन का आप देखा जाए, कॉन्स्टेंट का होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है वैल्यू, और अगर वन का देखो तो क्या होता है? टू पाई डेल ओमेगा, ठीक है. तो अगर यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लाना है तो ऑब्वियस बात है हमें टाइम में ई के पावर जी ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, ठीक है. अगर यहाँ प्लस लाना होता तो यहाँ पे ई के पावर माइनस जी ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करते हैं. डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का चाहिए था, विच इज वन अपॉन टू पाई ई के पावर जी ओमेगा नॉट टी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर पूछा है इसमें. तो देखो, नॉन लीनियर सिस्टम कौन सा होता है जिसमें स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट होता है, स्क्वायर का, क्यूब का, तो देखो इसमें स्क्वायर का है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ये नॉन लीनियर नहीं है. देखो, एन पे मत देखना लीनियर नॉन लीनियर में, आप एक्स पे देखना कि एक्स की पावर क्या हो रही है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैटिक सिस्टम, तो स्टैटिक सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ, स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करते हैं. अगर ऑप्शन बी देखो तो टी माइनस वन है, ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये वी टी वन अपॉन सी, तो ये एक इंटीग्रेटर सर्किट टाइप का है, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से टी मतलब पास्ट वैल्यू पे ये भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सिर्फ एक सिस्टम ये ऑप्शन ए ही है जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें स्टैटिक सिस्टम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्या पूछा है इसमें? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन, तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन पूछा गया है. तो देखो, ए के पावर एन यू एन का फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स. अब यू एन का पूछा है तो ए की वैल्यू अब वन रख दो, तो यू एन वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स. इसको अगर सॉल्व करो तो जेड अपॉन जेड माइनस वन आ जाएगा, फॉर एन आर ओ सी, आर ओ सी इसमें क्या आता है? मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए, ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए. If z transform of xn is xz, then z transform of a के पावर n xn, तो x upon z by a होता है. कहने का मतलब ये भी आपका फॉर्मूला है कि xn का z transform अगर xz of z है, तो a के पावर n xn का क्या होता है?
एक्स ऑफ जेड वाई है, विच इज एक्स ऑफ ए इन्वर्जन। ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, तो इसमें ओवरऑल गेन पूछा गया आपका सिस्टम का, तो देखो सिंपल सी बात है, ओवरऑल गेन अगर पूछा गया है तो यहाँ G1 है, ठीक है, यहाँ G2 और G3 है, तो ओवरऑल गेन क्या हो जाएगा अगर इस पूरे सिस्टम को आप सॉल्व करो, तो देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और ये दोनों कैस्केड में या सीरीज में, तो देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो G2 इंटू G3 आ जाएगा, ठीक है, और ये G1 है ही है और ये पूरा कनेक्शन पैरेलल है, तो ओवरऑल गेन अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, G1S प्लस G2 इंटू G3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, तो देखो फॉरवर्ड पाथ काउंट करने, देखो एक तो ये सीधा वाला पाथ है, ठीक है, X1 से X5 तक का, दूसरा ये वाला पाथ है, और तो देखो कोई पाथ मुझे दिख नहीं रहा है, देखो एक तो सीधा गया और दूसरा X1 X2 फिर X3 X4 पर, और कोई पाथ आप इसमें बना नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, क्योंकि अगर आप ये पाथ ले रहे हो X1 X2 X3 फिर X4 और फिर ये तो फिर अपोजिट में है ना, अगर इस डायरेक्शन में होती तो तीन हो सकता था, बट ये अपोजिट में, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, दो ही पाथ आएंगे। देखो कौन कौन सा पाथ होगा, X1 से गए X2, X2 से गए X3, X3 से गए X4 और X4 से X5, एक तो ये हो गया, एक X1 से X2, फिर X2 से ये जंप X3, इसको P1 मान लो, फिर देन X4 एंड देन X5, ये P2 आपका, तो दो ही पाथ आ पा रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 3, ट्रांसफर फंक्शन पूछा है इसमें, ट्रांसफर फंक्शन होता है टीएस से रिप्रेजेंट होता है, विच इज सीएस अपॉन आरएस, और देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फीडबैक लगा हुआ है, तो क्या होता है जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस इंटू एचएस, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सी एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी एस अगर पूछ रहा है ना तो आर एस मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, तो आपका अगर सी एस पूछा है तो ये होना चाहिए, और ट्रांसफर फंक्शन पूछा है तो क्या होना चाहिए, जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस इंटू एच एस, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।